की ताजी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त की बड़ी जम्मू कश्मीर से आ रही है। कोकरनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी आपको बड़ी दे दें, सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 3 से 4 आतंकियों के होने की खबर इस वक्त मिल रही है और सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। इसी कड़ी में कोकरनाग से हम आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ताजा जानकारी है, क्योंकि कुछ देर पहले यह जानकारी मिली कि सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन इस वक्त कोकरनाग के अंदर चलाया जा रहा है। जानकारी आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 आतंकियों के खबर होने की जो स्थिति है वो पता लगी है कि 3 से 4 आतंकी इस वक्त भी मौजूद है वहां पर। लेकिन हालात कैसे बने हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आतंकियों को मारने का काम किया गया, शोपियां के अंदर हो या फिर अन्य इलाके, श्रीनगर का हम जिक्र करें, अन्य इलाकों के अंदर भी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि आतंकवादियों की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं और उसे सेना रोकने का काम कर रही है, आतंकवादियों के खात्मे का काम कर रही है। फिलहाल ये जानकारी इस वक्त ही आपको बड़ी देने की कोशिश कराएं कि जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सेना और आतंकियों के बीच इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं और सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताजा जानकारी है, बड़ी खबर है, इसलिए 5 के 5 में पहली खबर इसे हमने रखा है। 3 से 4 आतंकियों की खबर होने की आशंका को व्यक्त किया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें इस ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है सेना का, और सेना लगातार आतंकियों का सफाया का काम कर रही है। क्योंकि सेना की बात करें तो पिछले दिनों भी सेना ने आतंकियों के सफाये का काम किया था, लेकिन अगर हम बात करें बौखलाए हुए आतंकी इस वक्त आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इस वक्त कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन खास तौर पर हमने देखा कि कल किस तरीके से एक सरपंच की भी हत्या कर दी गई। लेकिन अगर हम बात करें इस समय की, तो कोकरनाग की ये तस्वीरें हैं, और कोकरनाग की तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है कोकरनाग के इलाके में। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। फिदा, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और लगातार आप हम तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? मैं बता दूं आपको कि कोकरनाग का ये वतनाल इलाका है, और वतनाल इलाके की टोपोग्राफी और टोपोग्राफी से पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कश्मीर का जिला अनंतनाग का कोकरनाग वतनाल इलाका है, जहां पर कुछ घंटे पहले जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिलती है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती है, तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुन गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक फौजी जवान जो है वो घायल होते हैं, जिनको घायल स्थिति में अस्पताल लिया जाता है। हालांकि उसकी अभी पुष्टि या कोई खंडन अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहले जब इनिशियली में जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंची, तो वहां पर गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अब अभी की बात करें कि अभी वहां पर किसी तरह की गोली की आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन क्या ये रात भर चलेगा, क्या ये कुछ ही घंटों के बाद खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस वतनाल इलाके की, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, तो उसके बाद क्योंकि आज रमजान का पावन महीना भी चल रहा है, उसके साथ साथ जहाँ पर स्कूली बच्चे जो स्कूल गए थे उनको बाहर निकालने का भी काम जो है वहां पर किया गया। खुद लोग जो है बाहर आए और उन्होंने वहां पर अपने बच्चों को अपने घरों में लाने की जो है वो कोशिश की। उसके बाद अगर जब हम उस इलाके की बात करें कि दो पहाड़ियां मिलती है वहां से, दो जंगल मिलते हैं इस वतनाल इलाके से, एक तो डूरू का इलाका और दूसरा जो है कोकरनाग जंगल। अब क्योंकि जंगल है और इस जंगल में क्योंकि क्या मिलिटेंट जो है, मिलिटेंटों की खबर जो है, उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन अब चलाया जाएगा, क्योंकि खुद वहां पर बड़े ऑफिसर जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं। अब हर ये देखना होगा, क्योंकि अभी 5 से 5:10 के आसपास हो चुके हैं, तो अभी क्योंकि 1 या 2 घंटे के बाद चाहे ऑपरेशन खत्म होगा या फिर ये लंबा चलेगा, ये कहना अभी मुश्किल ही होगा। लेकिन मिलिटेंटों की मौजूदगी थी, उसकी सूचना मिली थी, उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला। लेकिन फिदा, ये इलाका जंगलात वाला दिख रहा है जो तस्वीरों में नजर हमें आ रहा है, तो क्या घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है या अन्य तरीके से ऑपरेशन हम देख रहे हैं चलाया जा रहा है? क्योंकि आप रात भी लग सकती है। देखिए हर्ष, वतनाल का जो जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे मैं बता दूं थोड़ी सी दूरी के बाद ही
जहाँ पर ये मिलिटेंट मौजूद थे उसकी खबर मिली है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तो उसके बाद किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला, इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जंगलों की तरफ भी उनको जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो देखने को मिली कि कई मिलिटेंट जो है वो जंगल का सहारा ना ले, इसलिए पहले वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे जंगल को भी कॉर्डन में ले लिया है। हर्ष ठीक है फिदा, लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं, आप तो हमारे सीनियर साथी हैं, कि आतंकवादियों की गतिविधियां किस तरीके से बढ़ गई हैं, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए कैसी ऐसे आप देखते हैं, क्योंकि सेना की तरफ से बखूबी से आतंकियों के खात्मे का काम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि खौफ पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है लोगों के अंदर, वो वाकई हम देख रहे हैं कि चिंता का विषय भी है। फिदा देखिए हर्ष, अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर में जहाँ अगर देखा जाए इसी सप्ताह में जिस तरह से शोपियान में मुठभेड़ होती है, जिस तरह से अन्य जगहों पर चाहे वो अनंतनाग हो वहां पर गड़प होती है, तो कहीं ना कहीं पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने अपने जो जो चेकिंग पॉइंट्स है, जो रात का ऑपरेशन है, जो रात का उन्होंने बहुत सारे जगहों पर नाकाबंदी लगा दी गई है ताकि जो कोई मशकूक गाड़ी नजर आती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। उसी के चक्कर में मैं आपको बता दूं, दूरू में जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले वहां पर एक कार में से एक बैग मिलता है, संदिग्ध हालात में वहां पर उसमें से कुछ हथियार भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जो तालमेल बनाए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें इंडियन आर्मी हो, सीआरपी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जहाँ भी ऑपरेशन चलाते हैं एक संयुक्त टीम होती है जहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हर बिल्कुल फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, हमारे संवाददाता आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे कि हालात कैसे बने हुए हैं। फिलहाल एनकाउंटर इस वक्त भी जारी है और समय समय पर फिदा आते रहेंगे, आप तक पूरी जानकारी गुलिस्तान न्यूज पर पहुंचाते रहेंगे।